Hi guys, welcome to BPrep, where we whiteboard quant questions appeared in previous year papers. Before we start with the question, please take a moment to subscribe to the channel to get updates on latest videos if you are preparing for any of the competitive exams. Let's start. A survey of 200 people in a community who watched at least one of these three channels, BBC, CNN and DD, showed that 80% of the people watched DD. There are 200 people, ठीक है? अब DD watch करने वाले लोग हैं 80%. 80% ऑफ 200 मतलब हो गया 160. 22% वॉच्ड बीबीसी. बीबीसी वाले हैं 44, 200 का 22%. एंड 15% वॉच्ड सीएनएन. तो 15% है सीएनएन, तो 200 का 15% हो गया 30. ठीक है, तो ये जो 200 लोग हैं ऐसे हैं 160, 44 और 30. तीन चैनल देखते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन वॉच ऑल द थ्री चैनल्स? तो हम लोग को ये निकालना है कि मैक्सिमम परसेंटेज क्या हो सकता है ऐसे लोगों का जो तीनों ही चैनल देखते हैं. अब एक शॉट में तो देखो ऐसा लगता है कि जब CNN 30 लोग देखते हैं तो 30 ही मैक्सिमम नंबर हो सकता है, राइट? क्योंकि अगर 30 लोग CNN देखते हैं, ये भी देखने लगे हैं, वो 30 लोग, दैट कुड बी द मैक्सिमम नंबर. इसके हिसाब से 15% आंसर आएगा, लेकिन गलत है वो. कैसे गलत है वो भी बता दूंगा, पर पहले वैलिड सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद उस पर आते हैं कि वो कैसे गलत है. देखो, अब वेन डायग्राम के किसी भी क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होता है, तीन लड्डू बनाने होते तो पता ही है, उससे विजुअलाइजेशन इजी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है. अब देखो, डीडी वॉच करने वाले 160 लोग हैं. ये डीडी है मान लो, ये बीबीसी है और ये सीएनएन है मान लो. अब यहाँ पे हम ऐसे लेते हैं, तो ये 160 है, ये 44 है और ये 30 है. तो यहाँ पे हम ऐसा मानते हैं कि ये मान लो ए है, ऐसे लोग जो कि डीडी और बीबीसी दोनों देखते हैं वो ए है. ऐसे लोग जो कि डीडी और सीएनएन देखते हैं, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो. जो बीबीसी और सीएनएन दोनों देखते हैं, उसको सी मान लो. और इसको मान लो तुम डी, जी, कुछ भी एक अल्फाबेट जी मान लो. जी ऐसे लोग हैं जो कि तीनों चैनल देखते हैं. अब क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या करना है, जी को मैक्सिमाइज करने का ट्राई करना है. तो अब वेन डायग्राम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो तो कॉन्सेप्ट ही यही है ना, कि अगर मुझे बी डी सी का यूनियन निकालना हो, डी यूनियन बी यूनियन सी, अगर मुझे ये निकालना हो तो ये क्या है, डी प्लस बी प्लस सी, मतलब जो तीनों का इंडिविजुअल काउंट है वो, माइनस, अब इसमें से जो लोग कॉमन आ रहे हैं, ए बी सी कॉमन आ रहे हैं. देखो डी क्या है, पूरा जो बड़ा वाला गोला है ये, इसको ऐसे समझना है. यहाँ पे ये डी क्या है, डी जो पूरा जो बड़ा गोला है, एकदम बड़ा गोला, वो इंक्लूडिंग एवरीथिंग. बी क्या है, बी अपना पूरा बड़ा गोला, और सी, सी भी पूरा बड़ा गोला. तो अब जब हम डी बी सी तीनों को ऐड करेंगे, तो इसमें ए चूंकि डी और बी दोनों में आ रहा है, इसलिए ए दो बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए को माइनस कर रहे हैं एक बार, ताकि कि एक ही बार काउंट हो. सिमिलरली बी में भी क्या हो रहा है, कि अगर मैं डी और सी दोनों को जोड़ रहा हूँ, तो बी दो बार ऐड हो जा रहा है दोनों में, क्योंकि बी कॉमन है, इसलिए बी को भी एक बार माइनस कर रहा है और सी को भी इसलिए एक बार माइनस कर रहा है. अब यहाँ जो बीच में जी है, देखो जब हम डी को ऐड कर रहे हैं तो भी जी काउंट हो जा रहा है उसके अंदर, बी को ऐड करें तो भी जी आ जा रहा है, और सी को ऐड करें तो भी जी आ जा रहा है. जी तीन बार काउंट हो जा रहा है, तो दो बार जो जी आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा. यहाँ पे हमने ए बी सी क्यों हटाया, क्योंकि वो दो दो बार आ रहे थे, तो एक एक बार वाला हटाया. जी तीन बार आ रहा है, इसलिए जी एक बार हटाना पड़ेगा. डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड और भी 5-6 क्वेश्चंस पहले हम लोगों ने सॉल्व किए, मैंने पांचों का लिंक डाल दिया है, जाके देख लेना, क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो अब देखो, डी यूनियन बी यूनियन सी जो है, ये टोटल जनता जितनी है उसका काउंट है. तो टोटल जनता कितनी है यहाँ पे, 200. डी 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 वाले कितने, 160, बीबीसी वाले 44 और सीएनएन वाले 33. तो ये तीनों का ऐड कितना आ जाएगा, 160, 244, 234, ठीक है, माइनस फिर ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2G. अब इसको अगर सॉल्व कर दो तो हो गया 34, ये उधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2G. देखो एक इक्वेशन है, और अब हिसाब बहुत सीधा है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि जो कॉमन है, जो तीनों चैनल देखते हैं, उसका मैक्सिमम परसेंटेज क्या हो सकता है. तो क्वेश्चन सीधा बोल रहा है कि जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है. तो
अब हमको ये क्वेश्चन है, जी की वैल्यू को अगर मैक्सिमम करनी है तो क्या करेंगे, ए बी सी को मिनिमम कर देंगे। अब ए बी सी मिनिमम मतलब क्या होगा, जीरो बिठा देंगे, कि कोई ऐसे लोग ही नहीं है जो कि एक्सक्लूसिवली ये दोनों देख रहे हैं। अगर बी जीरो करें तो कोई ऐसे लोग नहीं है जो कि डी डी और सी एन एन एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं, सिर्फ यही दो एग्जैक्टली ये दो देख रहे हैं, तो इसको हम जीरो कर सकते हैं क्योंकि हमको जी मैक्सिमाइज करना है। तो अब अगर जो मेरा ये कॉम्पोनेंट जीरो हुआ ए बी सी वाला, तो अब ये क्या हो गया, सीधा इक्वेशन हो गया 34 = 2g, है ना। तो जी की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 17। हाँ ठीक है, तो जी 17 आ गई। इसका मतलब मैक्सिमम लोग जो तीनों चैनल को साथ में देख रहे हैं वो 17 है। तो अगर 17 मैक्सिमम नंबर होगा तो परसेंटेज कितना होगा, 17% मार मत देना क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो 200 है, तो 17 का 200 मतलब हो गया 8.5%। तो 8.5% इसका आंसर होगा 17 और 200 के हिसाब से। अब देखो हम लोग, ये तो हो गया आंसर, ये समझ में आ गया होगा। अब पहली बार तुम ये देखते हुए कि 30 को भी आंसर मार्क कर सकते थे, 30 को नंबर लेके 15% आंसर हो जाता, पर वो क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है। अगर तुम लोग इस मेथड से सॉल्व कर रहे हो, मैं वो भी बता दे रहा हूं कि मान लो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, ये डी डी का मान लो, ये बीबीसी का मान लो, ये सी एन एन का मान लो। अब सी एन एन के 30 लोग मान लेते कि कॉमन है इन दोनों में भी, इन दोनों में भी वो 30 लोग कॉमन है जो सारे ही कुछ देखते हैं, तो मैंने बीच में बिठा दिया 30, ठीक है, क्योंकि ये 30 लोग हम लोग कॉमन मान के चल रहे हैं। तो अब अगर ये सी एन एन का है तो सी एन एन के 30 लोग थे, तो बाकी यहाँ पे आ जाएंगे 0, जो एक्सप्लिसिटली सिर्फ और सिर्फ सी एन एन देखते हैं, और यहाँ पे भी 0 और 0 हो जाएगा क्योंकि सी एन एन का तो पूरा गोला 30 ही होना है ना, तो इसलिए ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे बस आ गए बीबीसी वाले, तो बीबीसी के 44 थे टोटल देखने वाले, 30 को तो तुमने कॉमन में डाल दिया, तो यहाँ बचे कितने, 14, है ना। तो ये हो गया 0, क्योंकि बीबीसी का पूरा गोला तो 44 ही होना है ना, 30 कॉमन आ गए, 14 यहाँ पे। और अब डीडी के हैं 160 लोग, तो डीडी के 160 में से 30 यहाँ पे आ गए, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली डीडी देखने वाले बच गए 130। अब अगर तुम 30 का आंसर मान के चल रहे थे, तो देखो यहाँ पे टोटल जनता कितनी हो रही है, 130 + 30 + 14, 130 और 30 से 160 और 170, 174। तुम अगर 30 को मैक्सिमम मान के चलोगे तो यहाँ पे तुम्हारी जनता 164 ही हो रही है, जबकि जनता है कितनी, 200। तो यहाँ पे तुम्हारा डेफिसिट जो है वो कुछ आ जाएगा, तो ये अप्रोच गलत है, इसलिए हम लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग सीधा सीधा वेन डायग्राम का रहेगा, मैक्सिमाइज मिनिमाइज कुछ करना रहेगा या फाइंड आउट करना रहेगा, तो ये फॉर्मूला तो याद कर लो, इससे मतलब मैंने अब तक वेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो इसी फॉर्मूला से बनाए हैं, इसको याद करो, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चन प्लीज पोस्ट इन कमेंट्स, एंड गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन बिलो टू गेट अपडेट्स ऑन लेटेस्ट वीडियोज। थैंक यू।